ओपी राजभर अपने बयानों के लिए सियासी गलियारों में मशहूर हैं। वो तीखे अंदाज के लिए मशहूर हैं, वो हल्के अंदाज में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, लेकिन ये बयान कई बार उन्हें फंसा भी देते हैं। यूपी में चुनावी सीजन चल रहा है। इस चुनावी मौसम में राजभर के बयानों की चर्चा ना हो, उसका छौंका ना लगे, ये कैसे हो सकता है? यूपी के वजीर ओपी राजभर आजकल अपने गढ़ में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा सीट से दाव आजमा रहे हैं। और इस 2024 के चुनाव में राजभर का ठेठ अंदाज भी देखने को मिल रहा है। वो खेतों में फसल काटते कभी नजर आते हैं, तो कभी पियर का गमछा लेकर पॉलिटिकल माइलेज भरते दिखते हैं। ओपी राजभर चुनाव तो एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, मगर मौका लगते ही राजभर आईना दिखाने में बीजेपी को देरी नहीं करते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के फूल पर चुनाव नहीं लड़ते, हम छड़ी पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए भाजपा से समझौता किए हैं। हम कमल के निशान पर नहीं बल्कि छड़ी के निशान पर लड़ रहे हैं चुनाव। अपने बेटे की चुनावी रैली में राजभर ने तो हद ही कर दी। न सिर्फ जिला पंचायत सदर को हाथ जोड़कर खड़ा करके रखा, बल्कि खुद को शेर बता दिया। वो किसके पास है? मनोज राय जी के पास है। है कि नहीं है? हम खुद नहीं बोल रहे हैं। इनका मालिक कौन है? मऊ में दिया गया बयान राजभर का एक और सुनिए, जिसमें वो खुद को दुधारू गाय बता गए। ओपी राजभर का उन लीडरान में शुमार होता है जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तभी तो इस चुनाव में भी उनके बयान पर बयान वायरल हो रहे हैं। राजभर की पॉलिटिक्स का यही स्टाइल है, वो इसी अंदाज में शायद अपने वोटर्स से कनेक्ट करते हैं और इसी अंदाज में उन्हें लुभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।